नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्विस और मेरे नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है वो विजय हजारे के ऊपर है। जी हाँ, इनका नाम, पूरा नाम विजय सैमुअल्स हजारे था, जिनका जन्म 11 मार्च 1915 को और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 2004 को हुई थी। ही वॉज एन इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 1951 और 1953 के बीच 14 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी और भारत के 24वें टेस्ट में भारत के टेस्ट दर्जा हासिल करने के लगभग 20 साल बाद उन्होंने भारत को पहली टेस्ट मैच जीत दिलाई और यह उनकी कप्तानी की मात्र एक बार जीत भी थी। मुख्य रूप से दाएं हाथ के बल्लेबाज हजारे एक दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज भी थे। यह व्यापक रूप से सोचा गया कि वह एक प्राकृतिक कप्तान नहीं थे, ही वॉज नॉट अ नेचुरल कैप्टन, और इसका परिणाम उनकी बल्लेबाजी को भुगतना पड़ा। उनके एक जो आर्च राइवल विजय मर्चेंट ने भी इस बात से माना कि उनकी कप्तानी ने हजारे को भारत के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने से रोका। फिर भी हजारे का टेस्ट रिकॉर्ड बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, जिन्होंने 30 टेस्ट मैच में 47.65 की बल्लेबाजी औसत के साथ 2192 रन मारे और उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट का रिकॉर्ड भी और ही इफेक्टिव है, जिसमें उन्होंने 18,740 रनों के साथ 58.38 की बल्लेबाजी औसत के साथ भी रन मारे और सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए ये सर्वोच्च प्रथम श्रेणी स्कोर है, जिन्होंने 60 प्रथम श्रेणी शतक टेस्ट मैच में 7 बनाए और एक भारतीय खिलाड़ी के लिए 4वां उच्चतम और 10 प्रथम श्रेणी दोहरे शतक भी मारे। उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड नॉट गुड बट मोर मोडेस और उन्होंने 24.6 की औसत से 595 प्रथम श्रेणी विकेट भी लिए और उन्होंने टेस्ट मैच में 20 विकेट लिए और 3 बार सर डॉन ब्रेडमैन का भी विकेट उसमें शामिल है। उनकी कुछ उपलब्धियों में जो शामिल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज के एस दिलीप सिंह जी, जो कि एक अंग्रेजी क्रिकेटर हैं, इन्होंने शतक मारा था, लेकिन इनको हम इंडियन नहीं मानते, इसलिए विजय हजारे को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक मारने वाले भारत के पहले बल्लेबाज के नाम से जाना जाता है। 2 13 शतक लगाने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज थे। 1 टेस्ट मैच की प्रत्येक पारी में शतक लगाने वाले पहले भारतीय जिन्होंने 116 और 145 रन मारे थे 1947-48 में एडिलेड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था, और लगातार 3 टेस्ट मैच में शतक मारने वाले एक पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे और अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 50 शतक मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी 1947 में बड़ौदा में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में होलकर के खिलाफ बड़ौदा के लिए गुल मोहम्मद के साथ 577 रन, और यह रिकॉर्ड कई वर्षों तक बना रहा और केवल 2006 में श्रीलंका के कुमार संगकारा और मैला जयवर्धने ने श्रीलंका के खिलाफ 624 रन मारने के साथ ही इस 577 के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। अब दोस्तों, क्या है विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी को वनडे रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह टूर्नामेंट 2002 और 3 में डोमेस्टिक क्रिकेट के रूप में शुरू किया गया था। इस टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी के सभी टीमें हिस्सा लेती हैं और इस ट्रॉफी का नाम भारतीय दिग्गज क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया था। अब दोस्तों, मैं विजय हजारे के कुछ करियर स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको बता दूं। विजय हजारे ने 30 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें 2192 रन मारे 47.65 के औसत से, जिसमें उनके 9 शतक और 7 अर्धशतक थे और उनका जो टॉप स्कोर रहा तो वो 164, और इसके साथ इन्होंने टेस्ट मैच में 20 विकेट भी लिए हैं। और अगर इनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात किया जाए तो इन्होंने 238 मैच में 18,740 रन मारे जिसमें 58.38 का औसत रहा, जिसमें इनके 60 शतक और 73 अर्धशतक थे और इनका हाईएस्ट स्कोर 316 रन था। और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18,740 के अलावा 595 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 27 बार 5 विकेट का हॉल और 3 बार 10 विकेट का हॉल शामिल है। अब दोस्तों, कुछ विजय हजारे का कंट्री वाइज एक स्टेटिस्टिक्स हम आपको के सामने रखते हैं। तो विजय हजारे ने 1946 और 1953 के टाइम तक पूरा अपने कैरियर में 30 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 52 इनिंग में 6 बार
नॉट आउट रहते हुए 2192 रन मारे, जिसमें इनका उच्चतम स्कोर 164 था, जिसमें 47.65 का औसत था, जिनमें उनके 7 शतक और 9 अर्धशतक शामिल थे। वहीं अगर दोस्तों 1947 और 1948 तक वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 5 मैचेज में 429 रन थे, हाईएस्ट स्कोर 145, 47.66 का औसत। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका 12 मैचेज में 803 रन था, 164 का उच्चतम स्कोर, जिसमें 47.23 का औसत था। वर्षे पाकिस्तान के खिलाफ भी उनके 3 मैचेज में 223 रन थे, 115.5 के औसत से। वर्षे वेस्टइंडीज़ उनके 10 मैचेज के 20 इनिंग में 737 रन थे, जिसमें 40.94 के एवरेज से 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने घर में 1948 और 52 तक 13 मैचेस खेले, जिसमें 20 इनिंग में उन्होंने 1113 रन मारे, 164 हाईएस्ट स्कोर, जिसमें 69.56 का स्कोर था एवरेज था, जिसमें 5 शतक और 4 अर्धशतक था। लेकिन उनका अवे की बात किया जाए तो 1946 और 53 के बीच में उन्होंने जो घर से बाहर टेस्ट मैच खेले 17-32 पारियों में 2 बार नॉट आउट रहते हुए 1079 रन मारे, जिसमें 145 उनका उच्चतम स्कोर था 35.96 का। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया कि विजय हजारे एक एज ए कैप्टन कोई खास उनके बल्लेबाजी औसत भी नहीं था, इसलिए 1951 और 53 के बीच में उन्होंने 14 मैच में कप्तानी की, जिसमें 24 इनिंग में 2 बार नॉट आउट होते हुए 874 रन मारे, जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 164 था, जिनमें उनका एवरेज 39.72 का था, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक थे। इसके अलावा उन्होंने एज बिना कप्तान के तरह से 16 टेस्ट मैच खेलते हुए 28 पारियों में 4 बार नॉट आउट रह करके 1318 रन मारते हैं, जिसमें उनके 146 आईएस है और उनका 54.91 का एवरेज था, जिसमें 5 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल थे। तो दोस्तों ये थे हमारे महान बल्लेबाज विजय समूल हजारे, जिनको हम शॉर्ट में विजय हजारे के नाम से जानते हैं, इनके पूरा करियर के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।